हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक सम मैजिक। आज कुक सम मैजिक में मैं आपको बनाना बताऊंगी राजस्थानी स्पेशल मलाई प्याज की सब्जी, वो भी घर पे ही बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मलाई प्याज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मसाला पेस्ट बना के तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने ये लिया है 2 चम्मच दही। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। ये मैं डाल रही हूं इसमें 1/2 चम्मच देगी मिर्च और 1 चम्मच जो नॉर्मल हमारे खाने वाली तेज वाली जो मिर्च होती है ना वो, साथ में 2 चम्मच पिसा धनिया। अच्छा भर भर के डालना है क्योंकि मसाला इससे ही अच्छा बनेगा। और ये 1/2 चम्मच लिए मैंने हल्दी। बस अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी, बिल्कुल 1 चम्मच के आसपास कसूरी मेथी। ये देखो बस इतनी ये डाल के अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और मसाला पेस्ट बना लेते हैं। ये देखो ये मसाला पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसको रखते हैं साइड पे। और ये लिए हैं मैंने 15 से 20 प्याज। अगर ग्राम्स में देखें तो ये 1/2 kg है, मतलब 500 ग्राम है। और इस तरीके के छोटे छोटे प्याज मैंने लिए हैं। अगर आप चाहो तो जो मोटे प्याज आते हैं ना उनको लेके लंबा लंबा काट के भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे बनाओगे तो ज्यादा अच्छी बनेगी। अब मैं दिखाती हूं आगे क्या करना है। बस अब ये प्याज है ना, इसमें हमें कुछ नहीं करना, पीछे की तरफ से ना थोड़े थोड़े इस तरीके से कट लगा के तैयार करने हैं। बस ऐसे सब प्याज में बिल्कुल क्रॉस में ऐसे कट लगा के तैयार कर देंगे। पूरा नीचे तक नहीं काटना है, हल्का हल्का कट लगाना है ताकि जब हम इनको कुक करें तो ये अंदर तक कुक हो जाएं। बिल्कुल इस तरीके से अगर प्याज की सब्जी बना के खाओगे ना राजस्थानी, तो गारंटी दे रही हूं बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत मजा आएगा आपको खाने में। तो सारे प्याज में मैंने कट लगा के रख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, उन प्याज को ना शैलो फ्राई करना है। तो थोड़ा सा ऑयल लूंगी मैं, 1/2 चम्मच, ज्यादा नहीं। बस इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब ये प्याज हम शैलो फ्राई करेंगे और ये हम करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा इनपे कलर सा आ जाए और हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही करना है। बस चलाते हुए लगातार इनको इस तरीके से सौते कर लेंगे। थोड़ा कलर सुंदर हो जाए। रेसिपी बहुत यूनिक है और बहुत इजी है बनाने में, बहुत ही आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी इस रेसिपी से बना के। प्याज की सब्जी खाना आपको बहुत मजा आएगा। ये देखो कलर आने देते हैं इसके ऊपर। ये देखो बढ़िया सा कलर आ गया है प्याज के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, गैस को करेंगे बिल्कुल सिम और इस प्याज को निकाल लेते हैं प्लेट में। बस इसी तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, हल्का हल्का ब्राउनिश सा कलर। बाकी हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे। ये देखो एक प्याज तो खुल भी गई, लगता है कट ज्यादा लग गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको और हटा देते हैं एक बार। ये जो सब्जी बनाते हैं ना वो, ये 1 करछी तेल लिया है मैंने। अब हम लगाएंगे इसका तड़का बढ़िया सा मस्त सा। थोड़ा सा तेज कर देते हैं गैस को। तेल गरम हो गया है, इसमें डालूंगी मैं ये 1/4 चम्मच हींग, उसके साथ में 1 चम्मच जीरा। बस बेसिक तड़का लगाना है हमें, फालतू कोई उल्टी सीधी चीज डालनी ही नहीं है। जीरा पका लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद में इसमें डालूंगी मैंने ये 2 हरी मिर्च लिए छोटे छोटे काट के, 5 से 7 लहसुन की कलियां और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये तीनों इसमें डाल देते हैं।
और इसको हम अच्छे से कुक कर लेते हैं। इनको पकने देते हैं थोड़ा सा। बहुत ही इंस्टेंट सब्जी है ये। जब कोई सब्जी नई समझ में आए ना आपको कि घर में क्या बनाना है, कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, तब भी आप इसको बना सकते हो। मतलब बिना सोचे समझे इतनी मजेदार सी सब्जी खाने के लिए, मतलब घर में कोई चीज है ही नहीं और आप मतलब जुगाड़ सा कर रहे हो और वो भी इतना टेस्टी, बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अमेजिंग लगती है। चलो इसको पकने देते हैं एक बार। ये लहसुन अदरक हरी मिर्च लगभग कुक हो चुके हैं। अब इस टाइम पे हमें क्या करना है, मैंने जो मसाला पेस्ट बनाया था ना दही में डाल के बिल्कुल शुरू शुरू में आपको दिखाया था, बस इस टाइम पे हमें ये ही डालना है और डाल के इसको फटाफट से मिक्स करना है। इसको छोड़ना नहीं है जब तक कि इसमें उबाला ना आ जाए दही में, वरना दही फट जाएगी। किसी भी सब्जी में अगर आप दही डाल रहे हो ना तो दही डालने के बाद उसको छोड़ना नहीं है जब तक कि उसमें एक बॉइल ना आ जाए, इससे दही फटता नहीं है। ये देखो इसमें बॉइल आ चुका है अच्छे से, ये देखो दिख रहा है। बस अब हमें इसको इतना पकाना है, एक डेढ़ मिनट के लिए पकाना है इतना कि ये ऑयल रिलीज कर दे, बहुत जल्दी ऑयल रिलीज कर देगा। ये देखो ये बिल्कुल जो ऊपर ऑयल ऑयल सा आ रहा है ना, बस ये रिलीज करना है दही को, तब तक हमें इसको पकाना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको वापस से। ये देखो बढ़िया तरीके से ऑयल रिलीज हो चुका है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अब इस पे डालेंगे हम टमेटो प्यूरी। ये तीन टमाटर लिए थे मैंने, खट्टे वाले नहीं लिए, जो रेड वाले आते हैं ना वो लिए। इन तीन टमाटर को मिक्सी जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बस यही हमें डालना है और इसको करना है मिक्स। बस इसको मिक्स करके अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। मैं एक चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नमक कम ही खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं। बस इसको मिक्स करके अब हमें इसको ढक्कन लगा के कम 5 मिनट के लिए कुक करना है ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए बढ़िया तरीके से। तो 5 मिनट हो चुके हैं, खोल के देखते हैं इसको। ये देखो भाई टमाटर अच्छे से कुक भी हो गए और ये टमाटरों ने ना ऑयल भी रिलीज कर दिया है, बस यही निशानी है टमाटर के कुक होने की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये सारे प्याज डालेंगे जो हमने शैलो फ्राई किए थे। बस इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और प्याज डाल के साथ ही इसमें हमें ये 2 चम्मच मलाई ली है मैंने घर की, ये डालनी है। अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं हो तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हो। बस अब मलाई प्याज नाम है तो ऑब्वियस है यार, मलाई तो जाएगी जाएगी। हाथ से इसको इसमें डाल देते हैं अच्छे से और इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसको भी हमें 5 मिनट के लिए ढक के कुक करना है ताकि थोड़ी मलाई कुक हो जाए, हल्का सा अपना घी रिलीज कर दे और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। कुछ तो हमने शैलो फ्राई करके कर लिए थे, कुछ ही ग्रेवी में हो जाएंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। बस फिर तैयार होगी हमारी मस्त वाली राजस्थानी मलाई प्याज। ढक देते हैं इसको, 5 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये लो जी पकते हुए हो गए 5 मिनट। अब देखते हैं, बढ़िया सा सब्जी पे कलर आ गया है, मलाई ने भी थोड़ा सा घी छोड़ दिया है और प्याज भी हमारे कुक हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट ये सब्जी बिल्कुल रेडी है इस समय। अब हमें इस समय क्या करना है, 2 चीज और डालेंगे बस फिर काम खत्म। ज्यादा कुछ नहीं डालना है, बस ये 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये कर देगा स्वाद को डबल। और साथ में डालूंगी ताजा ताजा हरा धनिया, ये स्वाद को कर देगा 4 गुना। इसने क्या डबल, ये करेगा 4 गुना। तो बस डन है हमारी सब्जी, बिल्कुल रेडी है। गैस बंद कर देते हैं और बस अब इसको सर्व करते हैं। सर्व करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको मजेदार सी मलाई प्याज।
प्याज कैसे डुबकी लगा रहे हैं ग्रेवी में, है ना। तो भाई गैस हो गई है बंद, सर्व करते हैं हमारी बढ़िया सी सब्जी को। ये देखो इसमें जो मैंने ये करे थे ना, ये चार जो कट लगाए थे, ये इसलिए भी फायदेमंद होते हैं कि मसाला है ना इनमें अच्छे से घुस जाता है, प्याज कुक भी हो जाती है जल्दी से और मसाला भी अच्छे से घुस जाता है। तो ये लीजिए, बनके तैयार है हमारी राजस्थान स्पेशल मलाई प्याज की सब्जी। अब हमें ना किसी रेस्टोरेंट जाने की जरूरत है, ना हमें कहीं भी किसी होटल से मंगवाने की जरूरत है, हम घर पे ही बहुत इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत शुद्ध तरीके से बनाएंगे राजस्थानी मलाई प्याज की सब्जी। आप भी मेरी रेसिपी देख के जरूर बनाइए, खाइए और मजे लीजिए राजस्थानी मलाई प्याज की सब्जी के। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करना, चैनल को फॉलो करना। थैंक यू सो मच। कुक सम मैजिक।